एवरीवन, वेलकम टू झा किचन। झा किचन में बनने वाला है आज एक मिल्क बिस्किट, बहुत ही टेस्टी, वो भी गेहूं के आटे से। जो नॉर्मल आटा हम लोग घर में रोटी बनाने का यूज करते हैं ना, बस उसी आटे से। तो ये बिना ओवन के हम कढ़ाई में बनाएंगे और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि ये आटे से बना है, दूध से बना है। और जब आप इसको अपने बच्चे को देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे। तो प्लीज आप ये जरूर बनाइए, घर पे ट्राई कीजिए। और मेरा चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आगे देखिए ये मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए, इस पे बिल्कुल भी तेल नहीं आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बटर पेपर पे निकाला था ना, तो एक्स्ट्रा जितना भी तेल था वो सोख चुका है। और ये देखिए ये कितना क्रंची है, ये देखिए, ये देखिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज जो हम बिस्किट बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप आटा, ये 1 कप, और ये 1/2 कप, 1.5 कप नॉर्मल गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी का पाउडर, नॉर्मल जो चीनी होता है उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 कुटा हुआ इलायची, 2 चम्मच घी, इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको आटा की तरह गूंथते जाएंगे। धीरे धीरे दूध डालना है, बहुत ज़्यादा लूज आटा नहीं सानना है, थोड़ा टाइट ही रखना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, हमने एकदम थोड़ा सा दूध डाला है, 2 बार थोड़ा थोड़ा, और ये लगभग हो चुका है। अब मुश्किल से 1 चम्मच और लगेगा। बस इतना ही दूध डालना है, ये बस। बहुत कम दूध से भी आटा तैयार हो जाता है, तो दूध बिल्कुल संभाल कर डालें। हमने यहाँ पे बहुत थोड़े से दूध का यूज़ किया है और उसमें ये आटा गूंथ कर तैयार हो गया। अब ये आटा हमारा गूंथ कर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है और इस प्लेट में थोड़ा सा घी, बटर, तेल कुछ भी थोड़ा सा लगा देंगे। और ये जो हमने गोले लिए थे ना, इसको इस तरह से इस पर फैलाएंगे।
और इसको रेक्टेंगल शेप दे देंगे। अब हम इसको पलट देंगे, इससे क्या होगा कि पीछे वाला पार्ट बहुत स्मूथ रहता है तो हमको डिजाइन बनाने में इजी होगी। अब जिस भी साइज का बिस्किट बनाना है यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं बिस्किट को, या अपना मनपसंद कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, या इस तरह के अल्फाबेट्स कटर आते हैं उनसे आप इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। जैसे ये ए शेप का है तो ए हो गया, या तो फिर इस तरह के फाउंडेन कटर आते हैं उनसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे और हो जाता है, तो आप अपना मनपसंद कोई भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। अभी सी स्केल से हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे इस तरह से, और ये हमारे बिस्किट कट के अलग हो गया। अब हम इसको इस तरह से चाकू से थोड़ा ऊपर करके अलग कर लेंगे, और उसके बाद ये हाथ से इजीली हो जाएगा क्योंकि नीचे हमने घी लगाया था। तो इस तरह से आप अपना कोई भी मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम सारे बिस्किट्स बना लेंगे। ये हमारे बिस्किट्स कितनी अच्छी तरह से बनके तैयार हुए। अब इनको चलते हैं छानने के प्रोसेस में। हमने एक कढ़ाई लिया है यहाँ पे और कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक बिस्किट को हम धीरे धीरे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसमें तेल बिल्कुल भी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है और बहुत जल्दी हो जाता है बेक। लगभग 30 सेकेंड हो गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, हाई पे नहीं करेंगे। और एक मिनट होते होते ये बिस्किट बेक होके फ्राई होके तैयार हो जाता है। सिर्फ एक मिनट में हमारा बिस्किट तैयार हो गया है। अब हम इसको धीरे धीरे करके एक बटर पेपर पे इस तरह से निकाल लेंगे। आराम से निकालना है क्योंकि ये भी सॉफ्ट है तो टूटने का डर होता है। एक एक बिस्किट को आराम से हम इस तरह से निकाल लेंगे। निकालते टाइम आराम से निकालेंगे क्योंकि अभी जस्ट छना है तो सॉफ्ट है बिस्किट, ठंडा होने के बाद ये टाइट और क्रंची हो जाएगा, तो बिल्कुल आराम से निकालना है। इस तरह से हमने सारे बिस्किट्स को इस बटर पेपर पे निकाल लिए हैं जिससे कि ये पूरा तेल बटर पेपर एब्जॉर्ब कर ले और हमारा बिस्किट बिल्कुल सूखा रहे। तो ये देखिए हमारा बिस्किट पूरी तरह से बन के तैयार है और ये कितना अच्छा दिख रहा है और साथ में हेल्दी भी है। तो आप भी जरूर बनाइए इस तरह का बिस्किट को।